नमस्कार, मैं हूं कौशलेन प्रताप सिंह। दरअसल आज कोई कहानी नहीं, आज हम आपको वो मुद्दा बताएंगे। एक सवाल खड़ा होता है कि सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता या राजनीतिक पार्टियां आखिर करके असफल की रास्ते पर क्यों चले जाते हैं, असफल होने के कगार पर क्यों आ जाते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, आज हम आपको गुजरात विधानसभा चुनाव के तीन बड़े नायक जो लोकसभा चुनाव में लगभग बेअसर हो गए, कैसे हो गए ये आज हम आपको बताएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल का नाम सुना होगा, जिग्नेश मेवानी का नाम सुना होगा और अल्पेश ठाकुर का नाम प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभरे थे गुजरात में। गुजरात विधानसभा चुनाव के तीन बड़े नायक जो कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव आते आते बेअसर कैसे हो गए, इस पर हम लोगों ने एक स्टोरी की है जो हम आपके बीच में रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत गुजरात में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश में इस बार 63.73% मतदान हुआ है जो 2014 के 63.66% के मुकाबले 0.07% ज्यादा है। कुछ गिने चुने राजनीतिक विश्लेषक इस बढ़त को अंडरकरंट यानी सरकार के प्रति नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि ज्यादातर की राय में यह अंतर कुछ खास नहीं है और इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस राज्य में अपनी स्थिति बेहतर करने में नाकाम रही है। और उनके यह बात कहने का एक और प्रमुख आधार भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए किसी नायक की तरह उभरे तीन नेताओं में से एक अल्पेश ठाकुर हाल में ही पार्टी से बगावत कर चुके हैं, तो वहीं हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का भी कोई बड़ा असर छोड़ते नहीं दिखे। सवा साल पहले विधानसभा चुनाव में इन तीन नेताओं का तिलस्म गुजरात के सर इस कदर चढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक को अपने ही गृह राज्य में सर्दी पसीना आ गया था। लेकिन अब स्थिति कुछ और ही नजर आती है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ कि गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का प्रभाव इतनी तेजी से क्यों घटता नजर आया। अब सबसे पहले बात करेंगे अल्पेश ठाकुर की। अल्पेश ठाकुर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः पाटीदार आरक्षण के विरोध में एक समांतर आंदोलन और फिर शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद चमके थे। विधानसभा चुनाव तक सूबे की सियासत में उनकी इतनी बड़ी धमक रही, लेकिन विधायक बनने के बाद से ही वे कहीं गायब से हो गए। इस बात को लेकर आलोचकों ने अल्पेश ठाकुर पर जमकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि ठाकुर अपने लिए मुख्य धारा की राजनीति का रास्ता तलाश रहे थे, जिसके मिलते ही उन्होंने आमजन के हितों की बात उठाना बंद कर दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हार्दिक के साथ कांग्रेस को समर्थन देने से पहले समांतर आंदोलन ठंडा हो गया था और राज्य में शराबबंदी कानून के कड़े हो जाने से दूसरे आंदोलन को भी उनकी जगह नहीं बची थी। लेकिन बीते साल अल्पेश ठाकुर एक बार फिर अचानक से पिछले साल सुर्खियों में शामिल हो गए थे। बजट ही गुजरात में पर प्रांतीय लोगों पर बड़ी संख्या में हुए हमले, तब गुजरात में 14 महीने की एक बच्ची के दुष्कर्म के एक मामले में बिहार के एक मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद राज्य के कई इलाकों में बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा भड़क गई और कई लोगों को गुजरात छोड़ना पड़ा था। हिंदी भाषी इन पीड़ितों ने उस समय खुद पर हुई ज्यादती के लिए अल्पेश ठाकुर और उनके नेतृत्व करने वाली गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना को भी जिम्मेदार ठहराया था। विश्लेषक बताते हैं कि ऐसा करके ठाकुर ने लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग सभी नाकाम रहे, जिस पर उनकी वजह से कांग्रेस को पूरे गुजरात में बड़ी संख्या में मौजूद बिहार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों का रोष झेलना पड़ा सो अलग से। इसके अलावा लंबे समय से उनके कांग्रेस से बनते बिगड़ते रिश्तों की भी खबर खूब सामने आई। एक वरिष्ठ पत्रकार इस बारे में कहते हैं कि इस सबसे आमजन के बीच अल्पेश ठाकुर की छवि उनके राजनीतिक गुरु शंकर सिंह बघेला की तरह दल बदलू के नेता के तौर पर स्थापित होने लगी थी और उनके लिए जो ठीक साबित नहीं हुई। इसके लिए कई जानकारों का कहना है कि अल्पेश ठाकुर के अलग राह चुनने से कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना तो बनी है, लेकिन उसके साथ रहने से पार्टी से कोई खास फायदा भी नहीं हुआ जाता, यह कहना मुश्किल होगा।